हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो सीरीज एंड जो गेट टू कोस्ट में। और ये उस वीडियो सीरीज का पार्ट 7 वीडियो है और ये वीडियो पूरी वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से देखिए कि इस वीडियो में हम पेंटिंग का काम करेंगे और पेंटिंग के काम में कौन सा प्राइमर यूज करना है, कौन से टाइप के पेंट यूज करना है, वो मैं आपको सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पूरा अंत तक देखिए इस वीडियो को और सीख लीजिए कि पेंटिंग का काम कैसे करना है और वो प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आयरन मैन हेलमेट पे जो मैंने फाइबर ग्लास का कोटिंग किया था उस पर सेंडिंग करके दिखाया और बॉडी फिलर को कैसे यूज करना है वो करके भी दिखाया। तो बॉडी फिलर का हमने यूज किया और वो सेंडिंग भी कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे पेंटिंग प्रोसेस। तो पेंटिंग कैसे करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके पहले हम जो ये फेस प्लेट है यहाँ से काट लेंगे और फेस प्लेट को अलग कर देंगे और फिर उसके जो ये पिछला पार्ट है, क्योंकि पहनने के लिए अब हमने जो फाइबर ग्लास का कोट लगाया था तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, तो इसको हम डायरेक्ट पहन नहीं सकते। तो इसको हम ये जो पिछला जो लास्ट पार्ट है उसको हम कट कर देंगे और उसको फिर हम मैकेनिज्म से ज्वाइन करेंगे ताकि हम पहन सकें और फिर इसको क्लोज कर सकें। और फेस प्लेट को निकालने के बाद उसको हम गोल्डन पेंट करेंगे और इसको रेड पेंट करेंगे। तो ऐसे तरह हम पेंटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब पेंटिंग की प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताऊं। तो पेंटिंग की प्रोसेस में ज़्यादातर 3 स्टेप रहते हैं। एक है जो प्राइमर कोट है वो, दूसरा है उसके ऊपर जो पेंट स्प्रे करना है वो, और तीसरा है लेकर कोट। लेकर कोट को हम क्लियर कोट भी बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बता देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली प्रोसेस है जो प्राइमर कोट है वो। हम प्राइमर कोट क्यों लगाना है? अगर प्राइमर कोट आप नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट पेंट करेंगे तो हो सकता है वो पेंट उस सरफेस से निकल जाए या उसकी पपड़ी पड़ जाए और वो चिपके ना, वो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बेस में प्राइमर कोट लगा दें क्योंकि वो पेंटिंग प्रोसेस का बेस है। उसके ऊपर जो हम पेंटिंग करेंगे उसको वो पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा। तो उसके लिए हम प्राइमर कोट लगाना है। और प्राइमर कोट वाइट सरफेस अभी आता है और ग्रे कलर का भी आता है। आप वाइट कलर का प्राइमर कोट लगाएं या ग्रे कलर का प्राइमर कोट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो चाहें वो प्राइमर कोट ले लें। फिर उसके बाद स्प्रे पेंटिंग के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो स्प्रे पेंट है वो आप उसका एक तैयार कैन भी ले सकते हैं, जो स्प्रे पेंट कैन आता है वो। और अगर आप उसको ना ले और आपके पास कंप्रेसर है और स्प्रे पेंट गन है तो आप कलर का डब्बा ले लें। और कलर का डब्बा लेने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटोमोटिव पेंट्स ही से ले कीजिएगा जो व्हीकल में लगा लें, उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी रहती है और आप ज़्यादा कलर रेंज में कोई भी चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऑटोमोटिव पेंट्स यूज़ कीजिए, उसके साथ थिनर मिक्स करना पड़ेगा। वो थिनर आप कितना मिक्स करेंगे वो उस कलर के इनके पीछे लिखा होगा। लेकिन आप वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आपके बेस्ट ऑप्शन है कलर कैन। जो कैंस तैयार आते हैं उसमें थिनर, वो पेंट और वो सब मिक्स होता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट स्प्रे करना है। तो वो ज़्यादा आसान रहता है, आपको जो अच्छा लगे वो कर दें। और फिर दूसरा स्टेप खत्म होने के बाद जो स्प्रे पेंट हमने कर लिया है उसके बाद वो सूख जाएगा, तब उसके ऊपर हम लेकर कोट लगाएंगे। लेकर कोट या क्लियर कोट, लेकर कोट क्या है? लेकर कोट को लगाने के बाद उसका फिनिशिंग जो आपको जो आपने पेंट किया है उसके बाद जितना फिनिशिंग आएगा उससे अच्छा शाइनिंग और उसकी एक लेयर बन जाएगी लेकर की, तो उसे अच्छी शाइनिंग आएगी और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवच लग जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेकर कोट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा स्प्रे पेंट के बाद। तो जो ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको थियोरिकली बताई, चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ।
दोस्तों आफ्टर पेंटिंग प्रोसेस हमारा आयरन मैन हेलमेट तैयार है और इसको मैंने पेंट कर लिया है जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था उसी तरह मैंने पेंट किया है और आप अगर उसी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको ये ऐसा रिजल्ट आपको भी मिलेगा और एकदम चमचमाता शाइनिंग फिनिशिंग आपको मिलेगा। और चलो मैं आपको पेंट भी दिखा देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट पहना क्योंकि मैंने उसका जो पीछे का पोर्शन है वो निकाल लिया है इसलिए मैं उसको डायरेक्ट पहन पाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइबर ग्लास जो है वो सूखने बाद हार्ड हो जाता है तो ये पोर्शन हमने कट कर दिया है और इसको मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे ओपन क्लोज करने के लिए ताकि पहनने के बाद वो क्लोज कर सके। और अभी इसकी फेस प्लेट भी इससे अलग है तो उसका भी हमें मोटराइज फेस प्लेट करना है लेकिन ये सारा काम मैं इस वीडियो सीरीज में नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं ये सारा काम ये वीडियो सीरीज में लेता हूँ तो ये वीडियो सीरीज स्पेशली फॉर आयरन मैन हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आयरन मैन कॉस्प्लेयर ही इसको फॉलो करें क्योंकि ये वीडियो सीरीज का शुरू करने का मेरा मकसद था कि जनरल जो कॉस्प्लेयर हैं जिसको भी जैसा भी डिजाइन बनाना है या जैसा भी प्रोप बनाना है उसके लिए ये वीडियो सीरीज काम आए इस तरह मैंने बनाई है। तो मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जनरल कॉस्प्लेयर के लिए दी है ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन मैन हेलमेट या आयरन मैन का कॉस्ट्यूम आप इससे बना सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई पूरे सीरीज में वो फॉलो करते करते जाइए और 7 स्टेप आपको उसको ले लीजिए पार्ट 1 से पार्ट 7 तक के तो वो 7 स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तो 7 स्टेप में आखिर में आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। जो आपको बनाना था या जो आपने डिज़ाइन करना था वो 7 स्टेप खत्म होते होते वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये वीडियो पूरी वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो था पार्ट 7 वीडियो और इसके बाद अगर मैं इसका काम करूँगा जो फेस प्लेट का और वो जो भी मैकेनिज्म वो मैं बनाऊँगा तो वो एक अलग वीडियो आएगा इस वीडियो सीरीज का पार्ट नहीं होगा ये कोई पार्ट 8 नहीं आएगा सिर्फ पार्ट 7 तक ही था। तो अगर आपने आयरन मैन के अलावा कुछ और डिज़ाइन किया है अपने आप जो प्रॉप बनाया है तो उसके लिए ये पार्ट 7 है वो लास्ट स्टेप है क्योंकि उसमें अगर हो सकता है कि कोई मैकेनिज्म ना आए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ना आए लेकिन आयरन मैन हेलमेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है मैकेनिज्म भी आता है तो वो सारा आएगा तो वो अलग वीडियो आएगा। तो अगर आप जनरल कॉस्प्लेयर हैं अगर आपको पेंटिंग के बाद कोई प्रोसेस नहीं बचती तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये आपका लास्ट स्टेप होगा और ये पार्ट 7 सिर्फ आपके लिए है। तो पार्ट 7 हमारे पूरे के पूरे पार्ट 1 2 7 ख़त्म हो चुके हैं और अगर आपको ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आई हो मेरा काम पसंद आया हो मेरा सिखाने का जो ढंग है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप समझ सकते हैं कि और लोगों को भी ये वीडियो सीरीज या ये वीडियो या कुछ भी इस वीडियो के रिलेटेड जो काम आ सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा यही आपकी बड़ी हेल्प होगी और आप अपने सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज में भी शेयर कर सकते हैं आप कहीं भी शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी डिटेल में कुछ जानना है या मुझे फॉलो करना है तो फेसबुक में मेरा पेज भी है मिनी डाकोलिया तो आप उसको फॉलो कीजिए और फेसबुक में भी आप अगर मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे। तो यही था वीडियो 7 और इसी के साथ मैं पूरी वीडियो सीरीज ख़त्म करता हूँ और अब कुछ मैं नया लेके आऊँगा आपको सिखाने के लिए या आपको दिखाने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।